हेलो गाइस, मेरा ट्रैवल विजिट का ब्लॉग सुन। अच्छा अच्छा ब्लॉग देखते रहो और खुश होते रहो और बहुत आदमी को शेयर करो, वो सब करो। नया 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 जगह दिखाएगा, अच्छा अच्छा दिखाएगा। आज हम लोग का यहाँ मेघालय का और हम लोग का एरिया का व्यू दिखाएंगे। खेती खेती करने मतलब धान का खेती और धान चावल का, वो सब अलग अलग चावल का खेती वो सब दिखा देंगे और देखा भी देंगे। चावल अलग अलग चावल यहाँ में तो वो चावल नहीं उग है, कई कई जगह में उग गया। वो जो घर में खाता है वो चावल तो उग गया, जो सब बिस्किट वो सब बनाने वाला चावल तो है नहीं है अभी। वो लोग तो उठा नहीं है, उगा नहीं है। और हम अच्छा अच्छा जगह देखेंगे यहाँ का खेती, वो सब पूरा चारों तरफ खेती खेती में है। यहाँ में तो धान का खेती और चावल का खेती वो सब और सब्जी का वो सब भी करता है, और वो सब खेती का देखेंगे आप लोग आज आज का ब्लॉग में। नहीं हुआ है अभी, और इसको भी ये सबसे ज़्यादा ये लाल वाला सबसे ज़्यादा देर होता है इसमें, और महंगा भी बहुत है। और वो एक वो काला काला वाला वो बहुत ज़्यादा खुशबू मारता है, वो सबसे ज़्यादा महंगा है यहाँ में भी, और दूर में कितना महंगा का पता नहीं है। और जो ये लकड़ी देख रहा है खेत के बीच में, वो करता है 5 साल के बाद एक बार पूजा करता है, और यहाँ में पूजा करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। और ऐसे नहीं करने से खेत में चावल इतना नहीं आता बोला है, हमको तो इतना मालूम नहीं है। अंकल आंटी लोग ऐसे बोला था, इसलिए अंकल आंटी ऐसे बोला था, इसलिए बोल रहा है
पाँच साल के बाद एक बार वो पूजा नहीं करने से तो अच्छा से खेती अच्छा नहीं होता, खेत में चावल वो सब नहीं आता जो हम लोग का, वो उसको मानता है खेती का भगवान मानता है, उसको गॉड मानता है खेती का, इसलिए उसको पाँच साल का एक बार पूजा करना पड़ता है। और बहुत बहुत कुछ है पूजा करने का, और शायद इस साल में नहीं तो 2 साल ऐसे ही होगा। और एक पूजा है ये पूजा करने के लिए, इसलिए वो भी देखेगा आप लोग को भी। और हम अभी थोड़ा आगे में जाएंगे खेती में, अच्छा अच्छा वाला देखेंगे, और बहुत कुछ ढूंढ रहा है। चावल का हर तरह का डिजाइन है, फिर भी वो सब नहीं आ रहा है, अभी नहीं उग रहा है, वो सब इतना ढूंढ रहा था फिर भी नहीं मिला हमको। और बस एक लाल वाला देख लिया उसके बाद, और काला वाला थोड़ा आगे में देखा है हम, वो काला वाला ज़्यादा नहीं है, एक दो ऐसे उगा है वो भी देखेंगे थोड़ा। और बहुत हर तरह का चावल है, फिर भी अभी टाइम नहीं हुआ है, एक दो महीना नहीं है, एक दो हफ्ते ऐसे होगा वो उगने के लिए, उसके बाद सब लोग दिखाई देगा। और जब खेती से धान मार के लिए धान को घर लेके जाता है तब देखा दूंगा आप लोग को भी, और उस टाइम में भी अच्छा से देखो। और वो वीडियो देखने के लिए थोड़ा इंतज़ार करो, और वो सब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ वीडियो को और शेयर करो। और इतना ज़्यादा वो सब हो रहा है खेती में, और मुझे भी थोड़ा जुकाम सा हो गया, कल बारिश फिर गया था गाइस, इसलिए थोड़ा आवाज भी चेंज हो रही है। कल खेती में गया था, हम खेती में आया था पानी देखने के लिए आया था खेती में, और उस टाइम में बारिश भीग गया था हम उसके बाद, इसलिए आज सुबह से जुकाम हो गया। आज ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ है, बट में ज़्यादा होगा शायद, इसलिए आज इतना ज़्यादा ब्लॉग इतना ज़्यादा लंबा नहीं करेगा। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को दबा कर रखो गाइस, और सब इतना ज़्यादा अच्छा अच्छा व्यू देखेंगे ना गाइस। एक दो महीने के बाद तो शायद हम शिलोंग में जाएगा लाइटलूम में, वो हमें व्यू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उस दिन हम गया था, उस टाइम में मेरा पास फ़ोन नहीं था, इसलिए हम ब्लॉगिंग नहीं किया है, और अगर मेरा पास फ़ोन होता तो ब्लॉगिंग करना था। अब फोटो तो मेरे पास है गाइस, और फोटो वो सब तो है, फोटो हम ब्लॉग में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। है ब्लॉग में एक शॉर्ट वीडियो में डाल के रखा है, वहाँ में भी देख सकते हैं मेरा लाइटलूम में जाने वाला का फोटो। और इतना व्यू के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इतना ज़्यादा अच्छा है जैसे कि आसमान में रह रहा है ऐसे लगता है वो, इतना ज़्यादा मज़ा लगता है, इतना ज़्यादा घूमने में अच्छा लगता है वो लाइटलूम में। शिलोंग सवाई साइड है वो, और बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है। और अभी हम खेती कर रहे, सब कुछ दिखा दिया है, इतना दिखाना का कुछ है ही नहीं है। और अगर आप लोग को मेरा खेत देखना है तो देख सकते हैं, वो थोड़ा वो दिख रहा है ना, वही है मेरा खेत, थोड़ा वो घर का जैसा दिख रहा है उस वहाँ में ही मेरा खेत तो ज़्यादा भरा नहीं है, छोटा है, होता है चार आदमी खाने का, तो खेती ठीक ही है, अच्छा ही है इतना भी, और ज़्यादा भरा होने से भी कर नहीं सकेगा आदमी, कम है इसलिए जो आदमी लोग ज़्यादा होता है वो लोग तो कर सकता है। और मेरा मम्मी पापा भी बुरा बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया ना, इसलिए हम भी इतना खेती वो सब का नहीं सोचते हैं, हम सोच रहे हैं कुछ जॉब वॉब वगैरह मिलने से तो घर का खेती छोड़ दूंगा, हम ऐसे सोच रही है। और ये देखो गाइस, वो काला वाला जो हम बोला था, वो काला वाला चावल यही है, ये देखो ये काला वाला चावल वही है।
ज़्यादा देखा कर भी कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ में तो पूरा अभी तो खेत के बीच बीच में घुसने से भी गाली रहेगा, गाली खाना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं घुसेगा। और देखा इतना तो देखा ही दिया आप लोग को भी, फिर भी सब हर तरह का चाहूल तो देखा नहीं पाया हम, उसके लिए सॉरी है गाइस। और अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने के लिए, वो सब करने के लिए ज़्यादा ब्लॉग लंबा लंबा नहीं करेगा अभी हम, और आज का ब्लॉग भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं करेगा, 9-10 मिनट का तो होगा शायद, ऐसे लग रहा है। और ब्लॉग यहाँ में एंड करेगा, बाय बाय गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतज़ार करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अनलाइक करो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अनलाइक, कमेंट, बाय बाय गाइस, तब तक के लिए।